एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ कि जब सर ने कहा कि तीन जन्म से मैं तुझे जानता हूँ, पहली मुलाकात में आप बाजू में बैठे हो, आपको बड़ा हैरानी सी नहीं लगी ये कौन सी बातें कर रहे हैं? लगा मेरे को, मैं बोला सर को कुछ लूज है बोल रहा। तीन तीन जन्म आत्मा है जा, क्या क्या बोल रहे सर, समझ में नहीं आता मेरे को। सही भी ऐसे ही लगा मेरे को। हाँ। कंडक्टर को मैं जब साहु की 500 का नोट दिया तो 2 टिकट काट दिया, पूछा भी नहीं वो आपका आपके डैडी का काटा हूँ बोले। अरे किसका डैडी रे भाई, कौन है? बहुत अजीब ट्विस्टिंग हुआ मेरे को सर के साथ कनेक्शन, पहली नजर में खा गए मेरे को सर। नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी के अद्भुत शो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में। हमारे साथ हैदराबाद से नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। पहले हमने आपसे बहुत ही अद्भुत अनुभव सुने पत्री जी के साथ आपके, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे कुछ और जानकारी और ज्ञान जो है सब दर्शकों से के साथ साझा करना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि पत्री जी के साथ पहली मुलाकात आपकी बस में हुई और पत्री जी ने आपको कर्नूल में पिरामिड बे किंग्स चैम्बर में ध्यान में बिठा दिया और कहा सांसों को अनुभव करो, तो आपको ये लगा नहीं कि सांसों को आंखें बंद करके देखने से क्या होगा? क्योंकि कोई मंत्र बोलता है, कोई जाप बोलता है, कोई किसी का नाम स्मरण करने के लिए बोलता है, बोले कुछ नहीं करना है, सांसों को देखो आंखें बंद करके। एग्जैक्टली वही मुझे लगा, लेकिन मेरी जो भूख थी ऑलरेडी, ये जपास पूजा स्तोत्र पारायण सब हो गया था मेरा। घंटों से पूजा भी किया, उसके बाद पारायण भी किया, उसके बाद 5 लाख गायत्री जपास भी किया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मेरा सोल नहीं हुआ था। फिर गायत्री जपास के बाद माता जी से मैसेज मिला, 5 लाख गायत्री जपास किया, माता जी से मैसेज किया है तेरे को एक गुरु मिलेंगे, यहाँ से जप योग खत्म हो गया, ध्यान का जरूरत है, ऐसा ध्यान का वर्ड सुना हूँ मैं माता जी से, कोई पिरामिड सोसाइटी से नहीं मिला मेरे को। फिर एक गुरु मिलेंगे जो उनका मैसेज था माता जी का। उसके बाद 95 में मैसेज मिला, 97 में सर से कनेक्ट हुआ मैं। तो मतलब मैसेज मिलने के बाद भी 2 साल लग गए मेडिटेशन में। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जो किया, मैं कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हुआ मैं इनर सेल्फ मेरा, खाली सांसों को महसूस करने से, ब्रीथिंग ऑब्जर्वेशन से कॉस्मोस कनेक्टेड हुआ उस दिन में। तो इसके पीछे साइंस क्या है? यही तो साइंस है कि ये साइंस हमको मालूम ही नहीं आज तक। सांस तो सभी ले रहे हैं, ले रहे, लेकिन उसके साथ हम बैठे नहीं कभी। ध्यान का मतलब कुछ करना है समझते सब लोग, हाँ। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान है। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं और बहुत सारे तरह के मेडिटेशन आजकल हैं, और आपने भी बहुत सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे ध्यान में आने से पहले, और यहाँ बोलते कुछ करना ही नहीं है। तो वो समझ नहीं आती कि क्यों नहीं करना कुछ भी, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। तो हम उस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो ये कह रहे कुछ करना ही नहीं है। मैं ऐसे ब्लाइंडली सर को नहीं पकड़ा हूँ। तो आप भी अलग अलग जगह गए? ये सब हर जगह देखता था मैं। जिस साधना में हम थक जाते हैं वो साधना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड आनापानासन। कितना अच्छा बाहर निकाले पत्री सर, जिसमें हम थक जाते हैं वो साधना ही नहीं है बोल दिया सर। तो थकान तो हो ही जाती है बस। तो करने के लिए बहुत लोग सिखाए, कुछ भी नहीं करने के लिए सिखाने के लिए भागना पड़ रहा है आज पिरामिड सोसाइटी को। कुछ है, कुछ है, कुछ ऐसा लोग समझ रहे, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए भागना पड़ रहा है हमको, वो शून्य है। एक छोटा पूर्ण बड़े पूर्ण से मिलाता है आनापाना शक्ति। भगवान और भक्ति के बीच में जो गैप है, अंबिका दरबारवती नहीं है, भगवान और भक्ति के बीच में का जो गैप है हमारा ब्रीथिंग। हमारा लाइफ स्टार्ट होता है जैसे झरक में डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर्स मारते हैं, उस झरक में ब्रीथिंग स्टार्ट होता है हमारा ब्रीथिंग। उस विश्व से हमको कनेक्शन होता है, उसमें लाइफ स्टार्ट होता है श्वास से, और लाइफ का एंड भी होता है श्वास। उस श्वास में सारा जीवन हम लोग जी लिए, रोते रोते पढ़ते पढ़ते लाचार दीन हीन परेशान परेशान जी लिए हम लोग 70-80 साल।
गुड गुड के मर गए, ऐसे पैदा हो रहे मरते जा रहे हैं। हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये साइकिलिंग चालू ही है, क्योंकि ये पूरा अंधेरा जीवन है ना। उनको कभी गुरु का सानिध्य मिला, ना कभी ध्यान किए, ना कभी इसका कोशिश भी नहीं किए। सारा जीवन उस माया में, अंधेरे में, अंधेरे में ही पैदा हो गए, अंधेरे में जी लिए, अंधेरे में मर गए। सोल का एवोल्यूशन नहीं हुआ। इसके लिए थोड़ा लोगों को जगाने के लिए हमको भागना पड़ रहा है। थोड़ा जगो, थोड़ा सजग हो, भागो नहीं, जागो, अपने आप को देखो, अपने भीतर झांक कर देखो। ऐसी शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, उसके साथ मिलने की कोशिश करो। उसका कोई रास्ता नहीं है, आंख बंद कर जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम कुछ है जब सोचेंगे तो उससे नहीं मिल सकते हम। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मर जाओ, मृत्यु के पहले खत्म हो जाना, एक सद्गुरु के पास होता है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु नव सप्त धातु नव पंच कोश नवाग्पाणि पादौ न चोपस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कंप्लीट फिलोसफी है इसमें। शंकराचार्य जी का ये जो निर्वाण अष्टक से मैं एनलाइटेंड हुआ, कोई वेद जरूरत नहीं है लगा मेरे को, इतना अल्टीमेट है इनका मैसेज। ये अगर समझ गए तो खत्म, मैं कुछ भी नहीं हूँ। शिव जी के पास जब उनका भक्त आता है तो कौन है तू, पूछे शिव भगवान, कौन है तू, बोले मैं मन नहीं हूँ सर, बुद्धि नहीं हूँ। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार से हमारा बॉडी है, ये मैं नहीं हूँ सर, बोले फिर कौन है तू, बोले मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिव्ये न च ग्राण नेत्रे कान आंख ये जो भी है ये मैं नहीं हूँ सर, बोले न च श्रोत्र जिव्ये न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु पंच महाभूत है, भूमि तेज वायु पानी जल पृथ्वी ये जो भी है ये सब मैंने हूँ सर, बोल रहे ये पांच तत्व से ही हमारा बॉडी है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिव्ये न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु फिर कौन है, बोले आप जैसे है वैसी मैं हूँ सर, आप थोड़े बड़े हैं हम छोटे हैं, आप सीनियर है हम जूनियर है, आप पीजी हम डिग्री में उतने ही है सर, हम दोनों एक ही है, हम दोनों की कुंडली भी एक ही है सर, बोल रहे हो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम खत्म हो गया। फिर क्या होना, बोले न च प्राण संज्ञो नवै पंच वायु नव सप्त धातु नव पंच कोश नवाग्पाणि पादौ न चोपस्तपायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो, हमारे अंदर इतना भयंकर भरा हुआ है, हमारे घर पे लाइट गया टेंशन नहीं होता है, सारा गांव गया या नहीं पहले देखते, सबको अगर करंट गया राइट रिलैक्स मेरे बच्चे फेल हुए इसका फीलिंग नहीं होता, उनके बच्चे ही फेल हुए राइट वेरी गुड, हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं, ये हमारे मन की स्थिति आज। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव, हमारे घर में गाड़ी नहीं है इसका टेंशन है, उसके घर में गाड़ी आए तो टेंशन ज्यादा होता है। हमको एक अजीब एक अजीब पोल्यूशन है हमारे अंदर, ये मेंटल पोल्यूशन, उसको भी क्लेंस करना होता है। इसके लिए हमको ये सब स्टेजेस क्रॉस करना है। आपको कभी थर्ड आई एक्सपीरियंसेस हुए? थर्ड आई एक्सपीरियंस बोले ऐसा नहीं है, विजन तो हुआ था मेरे को, एक पास्ट लाइफ देख लिया हूँ मेरा। मेरे को फिजिकल मास्टर्स के साथ एक्सपीरियंसेस बहुत हुए, हर जगह मेरे को चैनलिंग्स, फिजिकली आकर काम करके जाना, ड्रॉप कर कर जाना, कोई आके पिकअप कर लेना, रात के एक एक दो दो बजे उतर जाता हूँ मैं कभी, मैं बाहर टूर कर कर हैदराबाद आता हूँ तो घर पहुँचना रात के एक दो बजे, मेरे मैडम को फ़ोन करे तो गाड़ी लेकर आएगी, इतना साइलेंट पैदल जाएंगे बोल कर, डिसाइड होने के बाद भी मेरे को कोई आकर गाड़ी पर छोड़ के गया, वो कोई नहीं थे माँ उतर बाबा जी। वाह, हुआ मेरे साथ। एक बार बताएंगे थोड़ा खोल के ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। मैं गुंटूर के पास एक नेकल एक गांव है, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया मैं। जनरली मैं नाइट जर्नी करता हूँ, सैटरडे नाइट शॉप मेरा बंद कर कर 10 के बाद
जो भी बस ट्रेन फुल नाइट जर्नी 400, 500, 600 जो भी है नाइट जर्नी, संडे मॉर्निंग चले जाना, फुल डे प्रोग्राम करना, फिर वहाँ नाइट, फिर बस चढ़ना, फिर हैदराबाद आना। 30 ईयर्स से 99% संडेस मेरे पूरे बस या ट्रेन, मैक्सिमम बसेस ही यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को टाइम अच्छा सेट हो जाता है। तो उस दिन मेरा मिस्टेक क्या हुआ, थोड़ा प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं रहकर क्या करूँ सर, मेरे को बस चढ़ा दीजिए, निकल जाऊँगा हैदराबाद वर्क। तो वो सर ला कर मेरे को बस चढ़ा दिए, एक दो घंटे वहाँ टाइम पास कर लिया। तो मैं सुबह सुबह 5:30 ऐसा टाइम पे पहुँचता था। तो क्या हुआ, 2-3 आवर्स बिफोर बस चढ़ने से रात के 1:30 या 2 बजे उतर गया मैं सिटी में। वहाँ से 3-4 किलोमीटर मेरे घर पे जाना है। बारिश हो रहा है, रोड पे एक आदमी नहीं है, साइलेंट है एकदम, सन्नाटा। कोई 2-व्हीलर भी अगर मिल गया तो लिफ्ट पूछेंगे बोल के वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, मैं बस उतर कर देख रहा हूँ तो साइलेंट है रोड। तो मैं मैडम को अगर फ़ोन कर, वो वेट करते रहती कभी भी, उसको आदत है, फ़ोन आते गाड़ी लेकर निकलती मेरे को पिकअप करने। तो मैं फ़ोन भी नहीं किया, ठीक है आज पैदल निकल जाएंगे। सोच लिया था नई इंडिका गाड़ी, रस्टी रेड कलर इंडिका, उस टाइम में इंडिका का मार्केट बहुत था। स्पीड आकर मेरे सामने खड़ा किया हो, एकदम काला है, लाल आंख है, विद्यानगर कैसे जाना सर पूछा हो मेरे को, मेरा मकान विद्यानगर में, ठीक है मैं बताता हूँ लेकिन बैठूँ क्या, बोला गाड़ी नहीं है एकदम, शोरूम की गाड़ी जैसी होती है, सील्ड एकदम, बैठिए सर बोला। डोर ओपन किया, बैठ गया मैं। इतना स्पीड चला गाड़ी, वो 70-80 स्पीड में आ रही, इतना स्पीड क्या जरूरत है, आराम से चल, कोई आड़ा आ गया तो उड़ जाता हो, नहीं सर मेरे को आदत है बोलता हूँ। एग्जैक्टली 7 मिनट्स में मेरे घर को पहुँचा, मैं 20 मिनट से पहले कभी नहीं पहुँचा वहाँ से। मेरा मकान ऐसा अंदर जाना है तो मेन रोड पे गाड़ी रोक दिया हो, तो थोड़ी देर वो शौक से बाहर नहीं आया, क्या नाम है तेरा पूछा मैं, बाबा बोला, साई बाबा है शायद सोचा मैं, ऐसा साई बाबा सोच रहा हूँ मैं ऐसा। उसका फेस देखे तो वो तेज ही नहीं लग रहा, इतना रफ है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है, एकदम स्लिम बॉडी है। 100 की नोट है तो उसको देने का, नहीं सर नहीं होना, नहीं लेता हूँ मैं बोला। अरे रखना यार बोला, नहीं नहीं बोला। गाड़ी किसकी है पूछा, हमारे सर की है बोला। अभी कहाँ जा रहा, तो मेरे सर के पास जा रहा हूँ। कुछ गोल घुमा दिया हो, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है अभी गाड़ी जाता कहाँ है मेरे को देखना है। मैं फिर अंदर घर पे नहीं गया, मैं वहीं रुक गया। फिर वो घुमा के वही स्पीड में, लंबा रोड है एकदम, कहीं टर्निंग्स भी नहीं है। कम से कम 100-200 गज क्रॉस होने के बाद क्लियरली मैं, स्ट्रीट के लाइट्स भी है लेकिन गाड़ी एकदम डिसअपियर हो गया। पिक्चर्स में देखे लेकिन ये मालूम ही नहीं हमको, कब भी नहीं देखा मैं फिजिकल आइज से, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देख रहा हूँ गाड़ी जाती का, कोई टर्निंग नहीं है लेकिन गाड़ी डिसअपियर हो, सब मालूम हो गया, यस कुछ हुआ है गड़बड़। फिर मैं घर पे आ गया, 8 बजे सर का फोन आया, फिर ब्रेकफास्ट के लिए सर के पास जाके बैठ गया। तो हम लोग इडली खा रहे थे, क्या हुआ पूछे सर, सर ऐसा नहीं कल गाँव में मैं प्रोग्राम के लिए गया, कोई आके मेरे को ड्रॉप करके गया सर, नाम पूछा तो बाबा बोला सर, साई बाबा है शायद सर बोला। सर जब बोले वो साई बाबा ने माँ उतर बाबा है, कंग्रेट्स बोलकर इतना खुशी से मिले सर, बहुत बड़ी बात है, माँ उतर बाबा आना ऐसे मामूली बात नहीं है, ये तेरा वर्क का रिजल्ट है बोले सर। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति एक सामाजिक शक्ति है, करते जाना है, भागना नहीं रुकना नहीं बस। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भागना नहीं है जागना है, है ना, तो भाग भाग के कुछ नहीं मिलेगा, जागने से मिलेगा जो भी मिलेगा, और जागने के लिए आराम से बैठ के जागना है, तो आत्म जागृति जो है वो ध्यान से ही होगी। तो बहुत अद्भुत बताया आपने, और इतना सरल कर दिया है पत्री जी ने कि घर बैठ के सांसों के साथ रहो। तो एक चीज़ और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ध्यान में आने से पहले शाकाहारी थे? ध्यान के पहले स्पिरिचुअल फैमिली हमारा, उसके पहले नॉन वेज था हमारे घर पर, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे डैडी आर्य समाज थे, मम्मी भी थोड़ा स्पिरिचुअल, तो उसके पहले हम लोग जब छोटे थे, जब कुछ मालूम नहीं था,
थोड़े साल से हमारे घर पे चलता था नॉनवेज, ऐसा हमारे कैस्ट में सब नॉनवेज ही होता है हर फंक्शंस में भी। तो जैसा समझ आने का, पहले तो मम्मी छोड़ दी हमारे सबसे पहले। तो हमारा एक जनरल स्टोर था, उसमें रद्दी का बुक्स आते थे वो कुछ बांधने के लिए पूरी। तो एक बुक ने कहा ऐसे कुछ पेपर हाथ में आ गया मम्मी के हाथ में, मांसाहार के लिए कुछ पढ़ लिया हो। उस दिन से फिर मम्मी छिए नहीं, पकाऊंगी भी नहीं, घर पे लाना ही नहीं बोल के हम लोगों को ही बंद करा दिया। मम्मी का फर्स्ट गुरु हमारे मम्मी है। फिर वहां से फिर बार बार हम लोग चला लेते थे, फिर भी कुछ मालूम नहीं था। जैसे समझ आने के बाद यानी डिग्री में आने के बाद फिर टोटली हम लोग बंद हो गए सेल्फ समझ कर। एक स्पीच सुना था मैं, वो स्पीच सुनने के बाद में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे को। उस दिन से वेजिटेरियन 30 ईयर्स। आज घर पे आज हमारे बच्चों को भी नहीं रहता, घर पे आता ही नहीं, और वो फंक्शंस में भी जाते नहीं, गए तो कुछ पानी भी नहीं पीते वहाँ पर। ऐसा उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा हमको तो, क्योंकि ठीक है बॉडी में इंस्टिंक्ट होता है नॉनवेज का, मगर उसको क्लेंस करने के लिए वो अपने प्रैक्टिस से निकल जाता है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जैसे पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की, तो वो भी आपके सामने ही हुआ होगा, और फिर उसके लिए सर ने 18 प्रिंसिपल बनाए कि 18 ये सूत्र हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो जब सर ने 18 प्रिंसिपल्स बताए सबको कि भी ये 18 सूत्र हैं, तो क्या सब लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया? तो क्या उनका इम्पोर्टेंस क्या है? 18 प्रिंसिपल्स में पूरे जो बेसिक्स है सोसाइटी का, पिरामिड सोसाइटी का, सारे शास्त्रों को 8 सूत्र में बना दिया है, 18 सूत्र में सर। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये हमारे फंडामेंटल्स है, ये प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो हो जाओ बस है आपका एनलाइटनमेंट है उसके अंदर, बोले सर। 4 वेद का 1 भगवद्गीता बन गया जैसा, वो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान 18 सूत्रों में दे दिया सर, इतना मिनिमाइज कर रहे थे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैं भी आई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में, और बाहर सब जगह हम यही सुनते हैं कि जो भी आपको अगर एक्सपीरियंस होता है अध्यात्म में ध्यान या पूजा पाठ करते हुए, वो किसी के साथ बांटना नहीं है। आप बांटोगे तो वो एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएगा, तो कोई भी शेयर नहीं करता। लेकिन यहाँ जो पहली बार भी ध्यान करता है सर, उसे माइक पकड़ा देते हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो शुरू शुरू में मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती थी, क्यों बताना है, क्योंकि वो ही सुना है कि बताने से फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन सर तो हर किसी को माइक पकड़ा देते हैं कि शेयर करो, तो आपने इस चीज़ को कैसे लिया? ये ऐसा कुछ नहीं है, वो फेयरिंग है उतनी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, बताने से नहीं आएगा करेगा ऐसा, क्योंकि वो हमें सिखाया गया है ना। एक्चुअली आज जो समाज में हम लोग स्पिरिचुअलिटी देखते हैं पूरा फियरिंग है, दुश्मनी नहीं है। भगवान के साथ हम जुड़ने के लिए आज डरते हैं, आज मंदिर नहीं गए तो क्या होता, तिलक नहीं करे तो कुछ हो जाएगा, बिल्ली आड़ा आ गई तो कुछ हो जाएगा, ऐसा जो फोबियास है, जो फियरिंग्स जो लोगों के अंदर भरे हुए है, उससे बाहर निकलना है लोग, कुछ भी नहीं रहता ऐसा, सिंपल साइकोलॉजी गेम ही है। तो क्या सिर्फ ध्यान करने से बाहर आ जाएं? ध्यान करने से ये सब रिलीज होते हैं। मेडिटेशन में जब बैठ जाते हैं तो हमारे 7 बॉडीज होते हैं अंदर, 7 चक्रास होते हैं, 72,000 हमारा नर्वस सिस्टम होता है। हमारे बाल से 1000 गुना जो सूक्ष्म रूप में हमारे जो अंदर सिस्टम्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग उपवास रहकर लिक्विड्स लेते हुए अगर 40 डेज अगर हम विगरसली सिंगल सीटिंग 3 आवर्स अगर ध्यान में बैठेंगे तो टोटल बॉडी क्लेंस होता है उसमें। उपाय आने नज़दीक, वास यानी रहना, किसके साथ रहना है, ब्रीथिंग के साथ रहना है। और भोजन का बहुत अफेक्ट हमारी बॉडी पर था, स्पेशली मेडिटेशन करने वालों के लिए तो फूड का बहुत प्रभाव होता है हमारी बॉडी पर, माइंड के ऊपर। तो कितना सिंपल और कितना कम अगर हम खाएंगे उतना एनर्जेटिक रह सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। लेकिन लोगों को तो लगता है ज्यादा खाने से एनर्जी मिलेगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें और कोई सोर्स नहीं पता एनर्जी का। बैलेंस डाइट होना चाहिए, नहीं खाएंगे तो वीकनेस, ज्यादा खाए तो आलस्य, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, बैलेंस।
ज्यादा बात नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, ज्यादा कमाना नहीं, कम भी नहीं कमाना, ज्यादा पढ़ना नहीं, कम भी नहीं पढ़ाना, ज्यादा भोजन भी नहीं करना और कम भी नहीं करना, इसको समझना है। ये बैलेंसिंग मेडिटेशन से होता है, अपने आप को हम ट्यून कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आपको, आप 100 करोड़ भी देंगे तो नहीं खा सकते, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता हमारा। इतना अवेयरनेस आ जाता है बॉडी में कि बॉडी को दखल देता हूँ, उसको पसंद ही नहीं करता हमारा इनर। आपने बहुत अच्छा बताया कि आप अपना बिजनेस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया और इसमें कूद गए, तो आप परिवार भी देख रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं और साथ ही साथ ध्यान प्रचार भी इतने सालों से सर के साथ में कर रहे हैं, ध्यान प्रचार भी। तो कभी दोनों चीज़ों में कभी संघर्ष हुआ? संघर्ष चाहे तो होता, नहीं तो नहीं होता। मैं उसमें भी नहीं हूँ, इसमें भी नहीं हूँ, उसको कभी भी क्रॉस कर लिया मैं। खेल है मेरे लिए, तो जीवन का खेल परफेक्ट नाटक है मेरे लिए। बिजनेस करता हूँ 100% इन्वॉल्वमेंट होता है मेरा, पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, बिजनेसमैन बन जाता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, कंप्लीट हेड ऑफ द फैमिली बन जाता हूँ, हमारी सोसाइटी में घूमता हूँ कंप्लीट, अब आप ही लोग मेरे है ऐसा मिल जाता हूँ। नरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आप सब चीज़ें मज़े से एंजॉय करते हुए एक नाटक की तरह आप करते हो, लेकिन वैसे लोगों से बात करें तो उनको लगता है आध्यात्मिकता और ये सांसारिक जीवन एक संघर्ष है, दोनों को साथ नहीं चला सकते, तो ये बैलेंस लोग कैसे लाएं अपने लाइफ में? लोगों में और हमारे में फ़र्क क्या है? एक ध्यानी और नॉन मेडिटेशन, नॉन मेडिटेटर्स में, नॉन मेडिटेटर्स को लगता है सब मेरी वजह से चल रहा है, हम ध्यानियों को लगता है मेरी वजह से कुछ नहीं लग रहा, कोई तो एक चला रहा मेरा। इसके लिए हम लोग एकदम हल्के हो गए। वो लोग ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी कोच में बैठकर लगेज सर के ऊपर रख लिए, उनकी जर्नी है, हम लगेज फेंक दिए बाजू, पत्री सर के ऊपर फेंक दिए, चल तेरी मर्जी जो चलता है यार, मिला ओके नहीं मिला ओके, ये हमारी जर्नी है, इसके लिए इतना आराम से। यही एक स्टेज होता है स्पिरिचुअलिटी से, तो ये समझ आता है मेरी वजह से चल रहा है, जिसके पास होता है उसको कर्म बंधन होता है, मेरी वजह से नहीं, कोई मेरे साथ है जो कोई चलवा रहा है मेरे को, तो हम बंधनों से बाहर आ जाते हैं, कर्म बंधन भी नहीं होता है लोगों को। जस्ट सरेंडरनेस, जस्ट यू हैव टू सरेंडर यूर सेल्फ फॉर एग्जिस्टेंस, वन अनसीन पावर इज देर, ही इज विथ यू ऑलवेज फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ। हमारी सांस जब स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है, इस बीच का हमारा जर्नी है, इस जर्नी के अंदर हम लोग नाटक ही है और कुछ भी नहीं है। ये समझ अगर आ गया तो परफेक्ट हम लोग नाटक कर सकते हैं, खेल सकते हैं। पर नाटक में तो हम कॉस्ट्यूम उतारते हैं, दूसरा पहनते हैं, लेकिन इस संसारिक नाटक में तो हम कॉस्ट्यूम उतारते ही नहीं है। कॉस्ट्यूम उतारने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मेरी वजह से ही सब हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो दुकान कैसे चलेगी, तो वो सिर पे बोझ उठा लेते हैं हम। उस बोझ को उठा के फेंकना है, बोझ को निकालना है, तब समझ में आएगा ये नाटक। इसके लिए स्वाध्याय है, इसके लिए सज्जन संगति है, ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक भी नहीं है। एक कीचड़ से निकल कर और एक कीचड़ में गिर जा रहे लोग आज, अरे सर के पास मेरे जैसा काम करने वाला ही कोई नहीं है, मेरे जैसा वक्ता कोई नहीं है, अगर मेरे अंदर अगर आ गया तो आज मैं ये स्टेज में नहीं रहता था, आज भी मैं डे वन में कैसा था सर के पास वैसी हूँ मैं आज भी। तो जैसे सर से इतना प्यार मिला, हमने इतना कुछ सीखा, इतने 20 साल 10 साल 30 साल जो भी समय बिताया सर के साथ में, तो आपने इतना सर की संगत करके, तो आपको क्या लगता है कि एक मास्टर को कैसा होना चाहिए? एक मास्टर ऐसे ही होना चाहिए, सर को देखेंगे क्या, अपने आप को हम आज फील कर रहे। स्थित प्रज्ञा के बारे में मैं जब गीता में पढ़ा तो ये इम्पॉसिबल लगता था मेरे को, निर्भयत्व, आए तो भी खुशी गए तो भी, ऐसा कैसा होता है लगता था, लेकिन आज हम लोग आज अनुभव कर रहे, आज वो हम लोग फील कर रहे आज। इट मीन्स हमारा डायमेंशन हायर डायमेंशन में आ गया, पहाड़ चढ़ गए, ऊपर से आज देख रहे हम लोग नीचे, छोटा लग रहा है अभी आज फिजिकल लाइफ हमको, 1 करोड़ 100 करोड़ 200 चॉकलेट लग रहा हमको आज, नहीं तो इतना पैसा ऐसा लगता था, नहीं कुछ नहीं। ये जो देखने की दृष्टि आ गई, दैट इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ।
देखने का आंख हमारे पास था लेकिन दृष्टि नहीं थी, सोचने की बुद्धि थी लेकिन सोच क्या सोचना ही हमको मालूम नहीं था। जिस दिन बुद्धि खत्म हो गई तो वहां से बुद्धत्व शुरू हो गया हमको। बहुत अच्छा बोला आपने कि बुद्धि खत्म होगी तो बुद्धत्व शुरू हो गया, तो बहुत बढ़िया आपने बताया। और एक चीज और ये जानते हैं कि जैसे कोरोना का टाइम आया, उससे पहले ही सर ने पीएमसी चैनल हिंदी और इंग्लिश चैनल और ये तेलुगु चैनल, कन्नड़, तमिल सब शुरू कर दिए थे, और मतलब हर समय सर किसी न किसी जूम सेशन में होते थे, हर लैंग्वेज में, जो दूसरे कंट्रीज़ में जैसे दिन रात का फ़र्क होता, तो मोस्टली जैसे सर पहले जा के काम कर रहे थे, ध्यान प्रचार कर रहे थे, तो उस समय घर बैठ के भी सर 24 आवर्स यही काम कर रहे थे, एक जूम से दूसरे जूम में, उस जूम में। और जैसे सर हैदराबाद में काफ़ी समय रहे, तो आप उस दौरान भी सर से मिले होंगे, तो क्या कुछ आपने उस समय जाना या समझा कि दुनिया तो एक अलग भय में जी रही है, डर में जी रही है, लेकिन यहाँ सर हमें बार बार ये बता रहे कि मृत्यु तो है ही नहीं। तो उस समय जो सर के मैसेजेस होते थे, जो सर उस समय बताते थे, आप उस दौरान भी सर से बहुत बार फिजिकली भी मिले होंगे क्योंकि आप हैदराबाद में थे, तो उस समय का कुछ अनुभव बताइए हमें। सर से हम मिले भी थे, सर से बात भी की है, लेकिन वो सोच ही नहीं था हमको। तो अचानक रहते रहते गिर गया, मैं भी शॉप में था, अनकॉन्शियस होके नीचे गिर गया, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ये क्या हो रहा है बोला। फिर उठा, फिर गाड़ी पर मैं जब फिर घर जाने के लिए निकला तो फिर गिर गया गाड़ी पे से, फिर अनकॉन्शियस। तो जब घर पहुंचा तो मेरा छोटा भाई ले जाकर पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे बोलकर करा दिए, पॉजिटिव आया कोविड। मेरे को अच्छा याद है कि वो मोमेंट कैसा था, हॉस्पिटल में लोग ऐसे भयभीत लोग थे, एक ध्यानी और नॉन मेडिटेटर में फर्क मैं उस दिन देखा हूँ। पॉजिटिव आया भैया, बोला भाई आकर ओके यस, अभी आया, उसका कुछ अफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, क्या करेंगे अब। एकदम रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोचा मैं, बहुत रिलैक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, डरने का क्या है, ओके। एकदम आराम से एक्सेप्ट भी किया मैं उसको, यस कुछ सिखाया मेरे को, सिखाने के लिए आया। सीधा हम लोग गाड़ी लेके निकले, कोई डॉक्टर को भी नहीं मिले हम लोग, पूछे भी नहीं। तो मेडिकल शॉप का मेरा एक फ्रेंड था, अरे यार ऐसा कुछ आया बोले, कुछ ले आना, एक 5 डेज का कोर्स देता हूँ खा लो बोले। ले गए घर पे गया, फिर मैं क्वारंटाइन भी नहीं किया मैं, तो 3 डेज मॉर्निंग नाइट लेते गए। फिर 3rd डे हमारे कॉलोनी में ब्लड टेस्ट के लिए आ गए मेडिकल डिपार्टमेंट वाले, क्यों डाउट क्यों, फिर भी पूरी फैमिली को एक बार टेस्ट करा देने के लिए पूरा हमारा फैमिली बाहर आ गए। अब आ गए उनके साथ मैं और एक बार करेंगे देखेंगे बोल, मैं भी गया, पूरा होने के बाद मेरा हुआ लास्ट में, फिर नेगेटिव आया 3rd डे। बोला आपका पूरा फैमिली नेगेटिव है सर, एकदम सेफ है बोल दिया उन्होंने। अरे फियरिंग एक इतना डेंजर कैंसर है ये, जो मेरा एक्सपीरियंस वो मोमेंट का जो मैं देखा हूँ, लोगों के अंदर जो उनको पता ही नहीं ऐसा डर कुछ ऐसा बैठा हुआ, उनका डर से लोग एक्चुअली कोविड से 5-10% मर गए, लेकिन 90% लोग डर से मर गए, ये समझ गया आ गया मेरे, क्योंकि इतना डर जाते हैबत से बॉडी पे हो जाता अटैक। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर के पास नहीं है, डर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए ऐसे पावरफुल तेजोमय गुरुओं के पास कनेक्ट होकर रहना चाहिए, इसके लिए ध्यान होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये सब कैसे डेवलप होता है, ये इससे बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मानसिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, ये सब शक्तियाँ बढ़ जाते हैं बस। तो अभी आपने जैसे बताया कि भय के कारण ही हम मरते हैं, जो भी लोग हैं उतना बीमारी से नहीं जाते जितना भय के, जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये कैंसर है या किसी को बता दिया आपको ये, तो भय इतना हो जाता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, तो भय से निकलने का माध्यम जो है वो ध्यान ही है।
और ध्यान जब आपके जीवन में आता है तो आपके अंदर सिस्टम जरा सारा ठीक होने लग जाता है। और फिर कोरोना के टाइम के बाद भी बीच बीच में सर प्रचार भी करते रहे, जाते भी रहे सब जगह। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब सर पिरामिड वैली में कुछ समय ब्रेक लिया, रेस्ट किया, और फिर धीरे धीरे दिख रहा था कि सर का जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा है। लेकिन वो जैसे था, हमें हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा हमारे जीवन के कि हम सर फिजिकल रूप में हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका टच, उनका स्पर्श, उनके पास रहना। तो जब सर का शरीर धीरे धीरे अस्वस्थ हो रहा था, तो कभी ऐसा लगा आपको कि शायद सर जाने की तैयारी कर रहे हैं? लगा, सर नहीं बोल रहे थे लेकिन मेरे को लगा पक्का है, प्रिपेयर हो रहे हैं अभी जाने के लिए। बाहर के सब कुछ नहीं, 95 95, मेरे को, मैं तो सोचना ही छोड़ दिया मैं। क्योंकि जब ऐसी बातें होती थी तो बहुत सारे मास्टर से बात होती थी, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, 95 सर ने बोला 95 तक रहेंगे। लेकिन जब उनके शरीर को देखते थे, जब उनसे मिलते थे, तो वो मैच नहीं करती थी चीजें, गल गया बॉडी पूरा, ऑलरेडी गल गया, वो प्रिपेयर भी हो गए। मेरे एक्सपीरियंस क्या, मेरे डैडी को देखा हूँ मैं, जो एंडिंग में सोल रिलीज होने के टाइम में बॉडी में उनके एक 2 डेज बिफोर से जो मैं नजदीक से देखा हूँ, सेम पत्रिसार में देखा हूँ मैं, वहाँ पर भी वही बोल रहे थे सब लोग, सर कुछ ऐसा मिराकिल कर देंगे, उठ के ठहर जाएंगे, जम्स बांट जाएंगे, ये सब बेकार बात है। फिजिकल फिजिकल का लिमिट्स फिजिकल बॉडी को होता है, सर डिसाइड भी हो गए, अगर चाहे तो ओके, फिर रिबिल्ट हो जाता था, रिकवर हो जाता था। क्योंकि जब हम दिल्ली में थे तो हमें जब मैसेज मिला तो फिर पता चला कि 3 दिन पहले ही सर ने बता दिया था कि मैं अब बॉडी वैकेट करूँगा, जिसको मिलना है मिलने आ जाए। तो हम भी आए थे यहाँ सर से मिलने, और जब सर थे उस दिन बॉडी में, जब हम यहाँ आके सर से मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब भी कुछ चमत्कार हो जाएगा। हाँ, दिखने हाँ। के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था, नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये सभी के माइंड में था है। लेकिन जब मेरे को तो नहीं लगा बाद में, पूरा धीरे धीरे पूरा बॉडी शिथिल होना चालू हो गया था। क्योंकि अगर हम सर के कॉन्सेप्ट देखें, वैसे सर ने बहुत कॉन्सेप्ट बताए, कोई अध्यात्म का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो सर ने नहीं बताया, लेकिन पिछले एक साल में जब हम आज हम वीडियो देखते हैं तो 99% सर ने हर टॉपिक में शरीर, मतलब आत्मा अमर है, मृत्यु तो है ही नहीं, कपड़े उतारने जैसा है, तो वो तैयार कर रहे थे सबको, उन्होंने सबको समय दिया कि सब तैयार हो जाएं उस चीज के लिए। लेकिन फिर भी हम तैयार होना नहीं चाह रहे थे, समझ आते हुए भी हम तैयार नहीं होना चाह रहे थे। तो जब आपको पता चल गया, हर जगह हिंट देते जा रहे थे सर, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के हिसाब से, मैं डिसाइड हो गया हूँ सर के पास, ये सब नहीं होता, सर डिसाइडेड है तो उनका बॉडी वैकेट के लिए ठीक है, लाइफ है ये, कभी ना कभी किसी को भी जरूरी है, कंपलसरी। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, मेरा सोच स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैं जस्ट 1 डे या 2 डे बिफोर 2 घंटे सर के साथ था मैं यहीं पर। मेरा प्रोग्राम था नेल्लूर में संडे के दिन, तो मैं सैटरडे सर के पास आकर 2 आवर्स उनके पास बैठा हूँ। रूम में एक 10-20 लोग बैठे हुए थे, सबको बाहर जाओ बोले सर, दोनों ही बैठे हम लोग, तो सर काफ़ी पी रहे थे, मेरे को भी बुला के काफ़ी पिए, दोनों मिलके पिए, तो सर को कई कितनी देर ऐसे आँख में आँख डाल कर देखा, सर को थोड़ा मसाज भी किया, मेरा मसाज बहुत पसंद आता था सर को, पूरा टॉप टू बॉटम एक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता था। खुश हो गए, उनका जो मंद मुस्कान, जो उनका नज़र, क्या सर ये क्या कर रहे हैं आप, बोला भी मैं क्या ये जरूरी है क्या है सब, अब है अपना अभी सेलिब्रेशन, अब है इतने साल हम लोग पागलों की तरह भागे, अब रिलैक्स आराम से एंजॉय करने का टाइम अब आया सर, आपको भी क्या हमको भी, फिर भी हम भागने के लिए तैयार है, आप बैठ कर हमको दिखना है और कुछ भी नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खाली बैठो जहाँ मर्जी आप, बैंगलोर या हैदराबाद, हम भागेंगे काम को, हम एक हिसाब से हम और अच्छा परफेक्ट करेंगे सर, और आप रहना, आप कुछ गड़बड़ कर रहे सर बोल के भी बोला था मैं सर को, हंस रहे थे सर, क्यों ऐसा क्यों घुमा रहे लोगों को, गोल घुमा रहे आप, आपका बॉडी देखे तो ऐसा नहीं लग रहा सर, नहीं प्लीज बोला मैं, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, बोले मेरा काम हो गया पूरा, मैं फिनिश।
मेरा काम हो गया, नेक्स्ट आपको संभालना है। स्पेशली मेरे को जो मैसेज दिए, मेरे लिए क्या है सर मैसेज होता है, स्पेशली तेरे को नॉर्थ इंडिया बहुत काम करना है, बोले नॉर्थ इंडिया अपना दिल्ली वो साइड बहुत घूमना है, आंध्रा में तो बहुत काम हो गया मेरा, तो अभी नॉर्थन इंडियंस को पकड़ना है, हिंदी मराठी गुजराती सिंधी मारवाड़ी ये पूरे ग्रुप्स को तेरे को जाना है, बोले वो मैसेज था। सर मेरा नेल्लूर में कल क्लास है, आज नाइट बस चढ़ना है सर, मैं नहीं जाऊंगा, पोस्टपोन कर दूंगा सर, नेक्स्ट संडे कर लूंगा, वो आपके पास ही रहूंगा सर, वो नहीं रोकना, बोले सर क्लास कभी भी नहीं रोकना, ऐसा चले जाओ, बोले मेरा कॉन्शियस नहीं मान रहा है, मालूम है मेरे को मैं फिर आए तक सर नहीं रहेंगे, फिर भी मैं सर को इतना मजबूती से हक किया, सर को किस किया, सर को इधर इधर 10 किस कर कर सर आप वांटेडली मेरे को भेजा रहे, मेरे को जाने की इच्छा नहीं है सर, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, एक प्रोग्राम नहीं करूँगा सर, नहीं जाना ही पड़ेगा, बोले सर। फिर फर्स्ट टाइम चरण स्पर्श किया मैं सर को, पूरा माथा टेक कर नमस्कार किया, फिर बाहर आकर बस स्टार्ट हो गया, निकलना तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम में संडे के दिन फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, डायस के ऊपर अनकॉन्शियस हो गया मैं, माइक गिर गया हाथ में से, एग्जैक्टली 5:00 यहाँ सोल रिलीज हो रहा है सर का, मैं अनकॉन्शियस हो गया, ठहर कर कुछ सॉन्ग गा रहा था मैं, एंडिंग क्लोजिंग का प्रोग्राम का क्लोजिंग था, गिरने के बाद कुछ शायद 2-3 मिनट, फिर उठ कर देखा तो मेरा माइक कहीं गिर गया, तो ये क्या होगा, कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ, फिर मैं फोन निकाल के देखा तो सर चले गए, आ जाओ मैसेज। उस दिन एग्जैक्ट जब सोल रिलीज हो रहा था, सर जब निकल के जा रहे थे, तो मेरा जो परिपूर्ण आशीर्वाद था सर का, अब तेरे को संभालना है सब, पूरा बॉडी फुल एनर्जी, ऐसा लगा कि सर वाकई हो गए शायद बॉडी, तो उसके बाद मैं क्लासेस में मेरा एनर्जी मैं चेक किया, फिर अब उसके बाद भी कई प्रोग्राम्स किए ना हम लोग, पहले के प्रोग्राम्स में आपके इवन मैं वीडियोस भी लगा कर उसको चेक करता हूँ मैं, मेरा डिलीवरी कैसा है, एनर्जी कैसा है। ये बात जो आप बोल रहे हो ना, ये सब लोगों ने महसूस किया, मतलब मैं भी महसूस कर रही हूँ, जैसे हम क्लासेस लेते हैं अब कुछ अलग एनर्जीज काम कर रहा है, सभी मास्टर्स का यही कहना है कि सर के जाने के बाद कुछ अलग एनर्जीज काम कर रहा है, तो हम भी हैरान हो जाते हैं देख के कि ये कैसे हो रही हैं चीज़ें, हम खुद एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी इतना बड़ा ध्यान महाचक्र का प्रोग्राम हुआ लास्ट ईयर, तो सर थे, लेकिन अब देख रहे हैं तो मतलब ऐसा लगा था कि सर के बिना प्रोग्राम होगा कैसे, है ना, लेकिन आज जब देखते हैं लोगों को, जो लोग सर से मिले भी नहीं है, सिर्फ एक वीडियो देख के जो ध्यान में आ गए, तो उन लोगों को भी मैसेजेस मिल रहे हैं, वो लोग भी सर के स्पर्श को आज भी महसूस कर पा रहे हैं, तो वो जो एनर्जीज काम कर रहा है वो एक अलग लेवल पे अब काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो सर जहाँ भी जाते थे एक बॉडी का एक लिमिट था कि एक जगह पहुँचते थे, लेकिन आज जब पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति विलीन हो गई है, तो आज सबके साथ वो शक्ति काम कर रही है, तो वो चीज़ हर कोई महसूस कर रहा है, जो ध्यानी है वो महसूस कर रहे हैं। हाँ, सब ध्यानी महसूस कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाहर के नहीं कर सकते, लेकिन जो चाहे पीएमसी के माध्यम से ही ध्यान में आए हैं, आज वो सर के प्रेजेंस को, सर की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तो वो सबके साथ ये चीज अनुभव अभी हो रही है, तो एक अलग लेवल पे ही चीजें चल रही हैं। अब ऐसा अभी हम भी अपनी लाइफ में देखें तो हर दिन कुछ नया मिरेकल हो रहा है, हर मोमेंट कुछ मिरेकल्स ही हो रहे हैं, तो ये एनर्जीज काम कर रहा है, और जो सर का विजन था कि भी ध्यान जगत पिरामिड जगत शाकार जगत बनेगा, ये सब तो अभी पहले सर बताते थे तो हमें कहीं लगता था कैसे होगा, लेकिन अब सामने वो मैनिफेस्ट होते हुए चीज़ें दिख रही हैं, अब दिख रही हैं मैनिफेस्ट होते हुए, और बहुत बढ़िया सर ने हमारे लिए हाईवे बना दिया है कि अब हमें इस पे चलना है, और उनके प्रिंसिपल्स के साथ में सबको जोड़ना है, उनके प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट नहीं करना, कि जो हमने सर से सीखा है प्योर 24 कैरेट गोल्ड, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वही दूसरों को दें। भी मैडम, गंगा जहाँ से निकलता उद्गम स्थान वहाँ पवित्र होता है,
लेकिन वो अपने दिल्ली हैदराबाद आए तक पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि बीच के ऐसे लोग आ जाते हैं कि फिलॉसफी को बदल देते हैं, कॉन्सेप्ट को बदल देते हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान को बताने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल बना लेते हैं, कमर्शियल भी बना देते हैं, ये सब ऐसा कचरा आ जाता है। मेरा स्पेशल मेरा मैसेज पीएमसी हिंदी के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आज पिरामिड सोसाइटी मेरी वजह से चल रहा, अगर किसी के भी माइंड में अगर है, इमीडिएट ड्रॉप हो जाना, वो लोग नहीं चलता ऐसा। आज भी सर ही है, सर की वजह से ही चल रहा है, सर की वजह से आज हम ये स्थिति में है, आज ये स्टेज में है, आज हमारी आवाज़ लाखों लोग सुनने के लिए तैयार है बिकॉज ऑफ पत्री सर, आज जो हमको सम्मान मिल रहा है बिकॉज ऑफ पत्री सर, आज जो हमारे मानसिक स्थिति है जो ये लेवल में कहाँ से आया, सर की वजह से आया। उनके कॉन्सेप्ट को पोल्यूटेड ना करते हुए और निस्वार्थ भाव से कमर्शियल ना करते हुए, पेड क्लासेस या अलग अलग नाम देकर जो कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि मैं आज तक ऐसा नहीं किया हूँ। 30 ईयर्स जर्नी में मैं कभी भी सर के बैनर को चेंज नहीं किया हम लोग। तो आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि सर का जो 18 आदर्श सूत्र है उसको फॉलो हो जाइए। सर के जो मेन बुक्स है उनके, तुलसी दल जो उनका मेन सोल के अंदर से आया हुआ मैसेज है सर का, उसको अपनाओ, सर का बताया हुआ सिस्टम में काम करो, सेल्फलेस गांव-गांव में जाना है, घर घर में जाना है, लोगों तक ध्यान को ले जाना है, कमर्शियल नहीं बनाना है, सेल्फलेस काम करो, उसमें ही एनर्जी है, उसमें डिवाइन एनर्जी होता है और हमारा ग्रोथ भी उसके अंदर छुपा हुआ है। बस सिंपल एकदम सर इतना इजी हमको बताए, उसको थोड़ा सा हमारे अहम को बाजू रखकर काम करना है और कुछ नहीं, हमारा भी उद्धार हो जाता है, लोगों का भी हो जाता है। और सर के लिए ग्रैटिट्यूड जो कृतज्ञता, हम गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं तो आज हर पिरामिड मास्टर कम से कम 1 लाख लोगों तक ध्यान लेकर जाना, तो ये हमारा जन्म धन्य होता है। सर को हम कुछ दिए वाले होते हैं, बस वो भी सेल्फलेस काम करना है। आज जैसे पत्री मैडम और परिणीता पत्री जी और परिमला पत्री जी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पहली बार, क्योंकि पहले तो सर ही होते थे स्टेज पे, तो अब पहली बार जो इतना बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए और सर का एनर्जीज भी फील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं सुनकर और इससे जुड़ रहे हैं, तो आपको PSSM का भविष्य कैसा लगता है? भविष्य अच्छा रहेगा, जो क्वालिटी मास्टर्स है इनके हाथों में रहेगा और क्वालिटी रहेगा इनके हाथ में रहेगा, जो पोल्यूटेड करने वाले वो प्रक्षालन हो जाता है, ये हमने नेचर कर देता है, पत्री सर खुद कर लेते हो। जो लोग भी प्योरिटी से सर के लिए खड़े हुए हैं उनके साथ पत्री सर है, थोड़ा भी अगर स्वार्थ आ गया, अगर थोड़ा भी कमर्शलाइज हो गया है, थोड़ा भी अपना फिलॉसफी अगर डाल दिए तो वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, मेन डिवाइन एनर्जी हट जाता है हमारे से, भगवत शक्ति हट जाती है, गुरु की शक्ति हट जाती है, बस सेल्फलेस रहना है, निस्वार्थ से रहना है, पत्री सर के लिए कृतज्ञता भाव से एक भक्ति से हमको इस ध्यान को आगे ले जाना है। आराम से चलेगा मैडम, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके फॉलोअर्स, जो पर्टिकुलर उनके सेलेक्टेड फॉलोअर्स होते हैं वो लोग लेकर जाते हैं उसको, क्योंकि सबके मन में आ रहा था कि अब सर चले गए तो कैसे होगा, हाँ। कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहला यही प्रश्न सबके मन में आया था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम किस लेवल पे चल रहा है और कैसे एनर्जीज काम कर रही हैं, तो इससे सबको बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि हमें वो जो हाईवे बना के देंगे उस पर ही चलना है, उससे इधर उधर नहीं होना, तो वो सर का एनर्जीज और डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ काम करेगा। तो सभी जो हमारे दर्शक इस मैसेज को सुन रहे हैं और सब जहाँ तक ये मैसेज पहुँचेगा PMC के माध्यम से, तो सभी के लिए ये संदेश है कि हम जो सर हमें प्रिंसिपल्स दे गए हैं, 18 प्रिंसिपल्स दे गए हैं और जो आनापानसती ध्यान दे गए हैं, ब्रेथ मेडिटेशन जिसे हम कहें इंग्लिश में, तो हमें उसी को लेकर आगे बढ़ना है और यहाँ वहाँ की चीज़ें देख कर डाइवर्ट नहीं होना है, तो हमेशा उनका एनर्जीज हमारे साथ रहेगा। तो आपका नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए और इतना अद्भुत ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए।
तो आपका आभार, धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और अपने अनुभव के हीरे जवाहरात हमें जो सर के साथ थे आपके, हम सबके साथ साझा किए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पीएमसी प्रेक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।